हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी एट अनअकैडमी एंड मायसेल्फ केमुके सिंह एंड टुडे आवर सेशन इज ऑन डार्विनिज्म एंड न्यू डार्विनिज्म दैट आर आल्सो कॉल्ड सिंथेटिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन। तो बच्चों, आज हम लोग का जो क्लास है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के परस्पेक्टिव में, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट के परस्पेक्टिव में। एंड इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू पुट, हाँ हो तो रहा है, देखिए तो लाइव हो रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी एंड माई सेल्फ के मुकेश सिंह। आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन वंस अगेन एंड इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन ऑन डार्विनिज्म एंड न्यू डार्विनिज्म दैट आर ऑल्सो कॉल्ड न्यू सिंथेटिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन। तो गाइज, आप लोग बने रहो मेरे साथ और आज आप लोगों को मजा आने वाला है। मजा तो ऑप्शनल है एंथ्रोपोलॉजी, तो दो जो मिस द लैमार्किनिज्म सो मस्ट वॉच दैट वीडियो एंड विदाउट वॉचिंग दैट वीडियो यू विल नेवर गेट कॉन्सेप्ट। बट लैमार्किनिज्म इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द डार्विनिज्म, सो दोज हु एटलीस्ट जस्ट वॉच दिस सेशन वेरी केयरफुली एंड आपको सारी बातें समझाने का मैं प्रयास करूँगा। वट एवर यू मिस द लैमार्किनिज्म एंड आई विल मेक यू टू अंडरस्टैंड द लेक्चर प्रॉपरली। चलो हम लोग चलते हैं। पहले मैं अपने पिछले आप लोगों को बता दूं, माई सेल्फ केमुके सिंह, 16 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। आई डिड बीएससी जूलॉजी और नर्स एंड अपीयर्ड इन यूपीएससी मेन एग्जामिनेशन। आई पर्सनली प्रोड्यूस्ड मोर देन 30 फाइनल रिजल्ट इन आईएएस एंड आईएफएस एंड ऑलमोस्ट द इंटायर कोर्स डिजाइन फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। सो आवर अप्रोच इज जस्ट फॉर यूपीएससी एंड इट विल डेफिनेटली पे यू एंड हेल्प यू इन getting good marks in terms of anthropology. So along with me at this platform you will get more than 100 top notch faculties. And regarding subscription, those who are interested to take the subscription, so what one do, guys? देखो बच्चों, यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताऊँगा, यहाँ पे actually 1 month लेकर के 24 month तक का program है and it's upon you किस सब्सक्रिप्शन को आप लोग लेना चाहते हो। और बेस्ट सब्सक्रिप्शन फॉर द बिगनर्स हैं वो है 12 मंथ और 24 मंथ का। 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है और 24 मंथ का, इसमें दो तरह का कोर्स भी है, एक है प्लस कोर्स, एक है आइकॉनिक कोर्स। तो अगर आप प्लस कोर्स 12 मंथ का लेते हो तो फॉर दैट यू नीड टू पे 39,600 रुपीज। अगर आप इसको 24 मंथ का लेते हो प्लस कोर्स में तो यू नीड टू पे 27,600। अब यहाँ पे इफ यू आर यूजिंग माई रेफरल कोड MKS1 MKS1 इन बोथ, तो यू विल गेट 10% ऑफ ऑन टोटल अमाउंट। तो व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स, इस कोर्स का क्या क्या बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है? तो वन, लाइव क्लास मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगा एंड स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा अलॉन्ग विद द वीडियो एंड द प्रॉपर गाइडलाइंस। बिसाइड्स इट, आपको अगर इफ़ यू आर गोइंग टू सब्सक्राइब आइकॉनिक कोर्स, तो आइकॉनिक कोर्स में यू विल गेट एडवांटेज ऑफ ऑल द फीचर्स इन टर्म्स ऑफ फी। फ्लाइट थोड़ा ज़्यादा फी है, इन 1 year 57,600, इन आइकॉनिक कोर्स 24 month 89,100 एंड अगेन हियर यू विल गेट 10% ऑफ इन टोटल फी। सो गाइज, और नाउ what are the features of this course? So in this course you will get a personal coach, guidelines, daily main question answer practice, study planner, personalized feedback and in this period of 2 years or 1 year you will get all kind of guidelines from prelims up to the interview and in terms of your issue, in terms of your concerning all these things. So aap log bane raho. और आज हम लोग का टॉपिक है, चलते हैं बात करते हैं। नंबर टू का टॉपिक इज डार्विनिज्म एंड न्यू डार्विनिज्म फॉर यूपीएससी सीएससी।
अब यहाँ पे आप लोग डार्विनिज्म या न्यू डार्विनिज्म से परिचित हो तब तो ठीक है, दो जो आर स्टिल अनफेमिलियर विद एनी ऑफ द थिंग्स, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को पहले हिंदी में बता देता हूँ, देन आई विल गोइंग टू डिस्कस एंड प्रॉपरली इन द इंग्लिश। देखो लैमार्क के विषय में आप लोग पढ़े हो, लैमार्क का जो सिद्धांत था उसका जो बेसिस था वो था यूज एंड डिसयूज, और दूसरा था उसका थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, सो ऑन दैट लैमार्क इज अ बेस्ट। अल्टीमेटली ये हुआ कि सम पीपल्स दे अपोजिट लैमार्किनिज्म, सम पीपल्स दे सपोज द लैमार्किज्म, एंड फाइनली लैमार्किज्म फेज टू सेटिस्फाई द पीपल्स इन देयर टाइम इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, कि हाउ एवोल्यूशन एक्चुअली अकर्स एंड इन व्हाट मैनर्स कैरेक्टर पासिस इन द नेक्स्ट जनरेशन। आफ्टर लैमार्किनिज्म डार्विनिज्म अराइव, एंड डार्विनिज्म इज नथिंग मोर देन द ओपिनियंस एंड स्टडी एंड एक्सपीरियंस ऑफ द डार्विन। डार्विनिज्म क्या है भाई, डार्विन ने जो अपने जीवन में जो अनुभव किया, जो उसने पढ़ा, जो उसने सीखा, जिन जगहों पे जाकर के अपना यात्रा किया और वहाँ से जो उपलब्धि था उसका स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन किया, एंड आफ्टर दैट उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया जिसको हम जानते हैं डार्विनिज्म के नाम से। डार्विन का जो सिद्धांत है बेसिकली, तो डार्विन आप लोग जानते हो कि चार्ल्स डार्विन थे, बेसिकली ये इन्होंने एक सिद्धांत दिया था थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और इन्होंने एक किताब भी लिखा था उसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, एक और किताब इन्होंने लिखा था उसका नाम था डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। इनको एक बार मौका मिला गैलापागोस, आप लोग पढ़े हो कि गैलापागोस जो आइलैंड है दक्षिणी अमेरिका के सदर्न कोस्ट पे, तो वहाँ का यात्रा करने का इनको मौका मिला। हालांकि वो यात्रा एक दिन का नहीं था, वो 5 साल का यात्रा था, और ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया से लेकर के अमेरिका तक का यात्रा था। और इस यात्रा में वो गए और काफ़ी जो चीज़ें इकट्ठा किया उनके उसी को आधार बनाया। इन्होंने वैलेस को पढ़ा, इन्होंने स्पेंसर को पढ़ा है, इन्होंने लेमार को पढ़ा है, इसके बाद तमाम इनके अपने व्यक्तिगत अनुभव रहा है, एंड ऑन दैट बेसिस ही गेव हिज थियरी ऑफ इवोल्यूशन, एंड थ्रू हिज बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ही ट्राई टू आंसर अबाउट द इवोल्यूशनरी प्रोसेस एंड इन व्हाट वे द करेक्टर विल पास, एवरीथिंग हम लोग आज इसमें बात करेंगे। तो डार्विनिज्म पे थोड़ा सा हम लोग ये समझते हैं कि डार्विनिज्म का जो स्टार्टिंग जो पॉइंट्स हैं वो कहाँ से है, कैसे कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ो आप लोग, तो इशू आप यहाँ पे फर्स्ट ऑफ द सीट इन 1798 टीयर मार्थस अ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट पुट फॉरवर्ड अ थियरी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ पर इन मार्थस ने एक थियोरी दिया, और इस थियोरी में इनका मानना था कि पॉपुलेशन जो ग्रो करता है वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में करता है। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का मतलब हुआ 2, 4, 8, 16 इन दैट वे, ठीक है। वाइल द रिसोर्स का जो ग्रोथ है तो दैट ग्रो इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मीन्स यहाँ पे इसका जो कहना था मार्थस का, जो रिसोर्सेज हैं तो दैट ग्रो इन दिस प्रोपोर्शन 2, 4, 8 एंड 16, वाइल रिसोर्स जो ग्रो कर रहा है ये इसका जो प्रोपोर्शन है वो होता है 1, 2, 3, 4, 6, 4, 5, 6 दैट वे। मीन्स जो ग्रोथ है रिसोर्स का वो स्लो है, पर पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो फास्ट है। फिर लैमार्क का एक अपना एजम्पशन था कि डेफिनेटली आफ्टर सम टाइम एन इम्बैलेंस अराइजेस, एंड व्हेन दिस इम्बैलेंस क्रॉस थ्रेशोल्ड दैट रिजल्ट्स कोलैप्सेस इन पॉपुलेशन। तय बात है कि जब रिसोर्स का जब कमी पड़ेगा तो पॉपुलेशन क्या होगा, आपस में फाइट करेगा, एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा, एवरीथिंग विल गेट वैनिस्ट, टोटल पॉपुलेशन अफेक्ट होगा। इस बात को डार्विन ने भी समझा था, बट डार्विन इन दैट टाइम दे आर बिजी इन डूइंग देयर ओन वर्क। डार्विन नोटिस द कंफ्लिक्ट बिटवीन रिसोर्सेज ऑफ पॉपुलेशन एंड ही वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्क्स थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, बट डार्विन वाज बिजी फॉर्मुलेटिंग हिज थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन एंड ही ट्राइड टू प्रूव द नोशन ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन थ्रू हिज बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज थ्रू नेचुरल सेलेक्शन। तो डार्विन बिजी था अपने बुक को, और मैंने अभी बताया आप लोगों को।
अब जब डार्विन का जो यात्रा है, आप लोग जब भी आंसर लिखना तो वहां पे अबाउट डार्विन इफ यू वांट टू राइट, सो एटलीस्ट यू नो टू थ्री थिंग अबाउट डार्विन। डार्विन सबसे पहला तो ये कि डार्विन का अपना जो यात्रा था गैलापागोस आइलैंड का, उसने वो यात्रा किया था, इस पे आप लोग चर्चा थोड़ा कर सकते हो। डार्विन रोट टू बुक्स, वन इज द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, अनदर इज द डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। ओके, एंड डार्विन आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय चार्ल्स लिल, इवन द माल्थस, द वेलेस एंड द स्पॉन्सर्स, तुम जान डार्विन उन सबको ही पढ़ा था। एंड फाइनली ही गेव हिज थियोरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन एंड थ्रू हिज फाइव पोस्टुलेट्स। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट पोस्टुलेट्स गिवन बाय डार्विन। सो द फर्स्ट पोस्टुलेट्स, डार्विन का जो अवधारणा था उसने पांच अवधारणा दिया अबाउट ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, हाउ न्यू स्पीसीज अराइजेस। सो द सेंट्रल क्वेश्चन इज, जो नए स्पीसीज हैं उसका ओरिजिन कैसे होता है। इसी बात पर लैमार्क ने भी चर्चा किया था, इसी बात पर डार्विन ने भी चर्चा किया, और इस पे डार्विन का जो अपना जो पोस्टुलेट्स है उसका जो बेसिस था वो काफी प्रैक्टिकल है एक्चुअली। थोड़ा तो सा यहाँ समझते हैं। तो द फर्स्ट पोस्टुलेट्स ऑफ द डार्विन इज ओवर प्रोडक्शन, एंड अकॉर्डिंग टू दिस एज यू सीन ऑन द स्क्रीन, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ऑल ऑर्गेनिज्म causes enormous fertility। जितने भी and whatever the question that you have, hi sir, hi Priya and Bakaya and Sultan, everyone good evening and we will continue। so whenever you have any question in term, because today topic is थोड़ा सा इसमें हम लोग काफी सारे बात करेंगे, यहाँ पे जेनेटिक्स की भी बात होगी, जो कि हम न्यू डार्विनिज्म पर भी बात करेंगे, यहाँ पे डार्विन का भी बात करेंगे। और बेटा ये सिर्फ कॉन्सेप्ट का टॉपिक है, तो आप अगर सिर्फ कॉन्सेप्ट पार्ट को अगर समझना चाहते हो, इसलिए मैंने ज्यादा कहानी नहीं बनाया है। वट एवर द माई सेंट्रल फोकस इज ऑन योर क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट, तो आप कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझना। और मैंने अभी अभी कहा, और आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा तो एवरी वन राइट द क्वेश्चन, आई रीड प्रॉपरली, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ आप लोग क्या क्या लिख रहे हो, एंड फ्रॉम माई साइड तो नाउ स्टार्ट। तो मैंने कहा कि डार्विन ने जो अपना जो पोस्टुलेट्स दिया वो पांच बेसिकली वो पोस्टुलेट्स था। द फर्स्ट वन इज द ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन का ये था कि एवरी ऑर्गेनिज्म हैव इमेंस पावर ऑफ फर्टिलिटी, द मल्टीप्लाई इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, बट देयर पॉपुलेशन नॉट रीचेस टू दोज एक्सटेंट फ्रॉम वेयर दे द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ दैट स्पीसीज गेट वैनिस्ड। ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई भी जीव, जिसमें हर एक जीव में, इवन चाहे वो कोई भी जीव, एवरी वन हैज इमेंस इनॉर्मस पावर, ओके, ऑफ फर्टिलिटी। सभी में क्या, तो फर्टिलिटी का इनॉर्मस फर्टिलिटी कैपेसिटी है, वो काफी सारे बच्चे पैदा कर सकता है। दे मल्टीप्लाई इन ज्योमेट्रिक रेशियो। एक एग्जाम्पल लो, यहाँ पे ओएस्टर का नाम सुना होगा, ओएस्टर जो पर्ल ओएस्टर होता है, सो दैट गिव पर्ल। ओएस्टर ले थाउजेंड्स ऑफ एग्स, हजारों अंडे एक बार में देता है। लेकिन अब तक क्या हुआ, अब तक ये हुआ कि वो हजारों एगो देता है, वैसे ही फीमेल किंग कोबरा है, ये 24 एग्स वन टाइम में ही देता है। ये एग्जैक्टली इन द सिमिलर वे आप रिप्रोडक्टिव रेट अगर एलिफेंट का देखते हो, तो एलिफेंट इज कॉल्ड स्लोएस्ट ब्रीडर्स, एंड इन देयर लाइफ टाइम ऑफ 90 ईयर्स इन अ सिंगल टर्न अ फीमेल एलिफेंट तो गिव बेसिकली 6 to 8 ऑफ स्प्रिंग। मैंने तीन बात कहा कि भाई ओएस्टर हजारों अंडे देता है, किंग कोबरा एक बार में 24 अंडे देता है, और जो फीमेल एलिफेंट है तो शी गेव 6 to 8 ऑफ स्प्रिंग एट वन टर्न इन ए सिंगल टर्न। लेकिन अगर ये हजार अंडे देते हैं और सबके सब अगर बच जाता है ओएस्टर का, और वो सब भी उतने ही हजार अंडे दे, और वो भी फिर से बच जाए, और वो सब भी उतने ही हजार अंडे दे, मुझे लगता है विद इन 100 ईयर, 100 साल के भीतर नॉट ओनली द ओशन, इवन द अर्थ सर्फेस गेट फ्लड, ओके, कंप्लीटली ऑक्यूपाइड बाई द ओएस्टर। ओएस्टर मय हो जाएगा पूरा पृथ्वी, पर अब तक ऐसा नहीं हुआ है कि पूरा पृथ्वी ओएस्टर से भर जाए और ओएस्टर ही ओएस्टर नजर आए, बाकी कोई स्पीसीज नजर नहीं है। अगर किंग कोबरा एक बार में 24 अंडे देता है, 24 अंडे देने के बाद उसे जो भी बच्चे निकलते हैं आफ्टर, ओके, सो दैट वो जो सारे अंडे से जो बच्चे बाहर आता है, तो
उसमें से सारे बच्चे सर्वाइव कर जाए और वो वंस अगेन वो रिप्रोडक्शन में जाए और उससे जो भी हो एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई करते, तो आज पूरा अर्थ विद इन ओके 1000 ईयर और गेट फ्लडेड, मतलब कई लेयर्स में किंग कोबरा से भर जाता, ओशन से लेकर के पूरा पृथ्वी पर ऐसा आज तक नहीं हुआ। एलिफेंट की मैं बात करूँ जो स्लोएस्ट बीटर्स हैं वो भी जितना अंडे देता है, अगर हम कहें कि 1000 साल में पूरा पृथ्वी एलिफेंट से भर जाता तो भी ये पॉसिबल नहीं है, जो सारा सर्वाइव करता तब। यही पे इसका डार्विन का कहना था, ठीक है वट एवर द कैपेसिटी ऑफ द ओके रिप्रोडक्शन एवरी ऑर्गेनिज्म है, बट इन रियलिटी वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। क्यों नहीं सर्वाइव करता, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि अर्थ अब तक क्यों नहीं भरा, चाहे वो हाथी से भर जाता, चाहे वो किंग कोबरा से भर जाता, चाहे ओयस्टर से भर जाता। अब इसको सेटिस्फाई करने के लिए डार्विन ने दूसरा अपना सिद्धांत दिया, दैट आर कॉल्ड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का मतलब हुआ उत्तर जीविता के लिए संघर्ष। अब इस संघर्ष में क्या होता है, स्ट्रगल दो तरह का होता है जनरली, वन इज कॉल्ड स्ट्रगल विद इन स्पीसीज। ये जो स्ट्रगल है तो दैट अकर्स एट टू लेवल, वन इज विद इन स्पीसीज, एक ही प्रजाति के भीतर इन अ स्पीसीज, और दूसरा होता है बिटवीन स्पीसीज, बिटवीन स्पीसीज। तो बिटवीन की बात मैं कर रहा हूँ और बिटवीन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, जैसे आप लोग यूपीएससी की तैयारी करते हो तो आप अदर स्पीसीज के साथ भी फाइट कर रहे हो, ये हुआ बिटवीन स्पीसीज जो आप फाइट कर रहे हो। और बिटवीन स्पीसीज का मतलब हुआ अभी जो कोरोना वायरस आया हुआ है आप इससे भी अपनी जान बचा रहे हो, ठीक है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो आपको कोरोना हो जाए और आपका काम तमाम हो जाए तो फिर क्या होगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको दो तरह का, और अब जो एक थर्ड जो फाइट है दैट अबाउट इन्वायरमेंट से भी आपको फाइट करना, व्हाट अबाउट नेचुरल हैजर्ड्स, ओके सो यू नीड टू फाइट अगेंस्ट दैट आल्सो। ये तो तीसरा तरह का हैजर्ड्स है, जैसे मान लो मैं कल न्यूज देख रहा था कि मुंबई में एक मकान गिर गया और उसमें करीबन 10 लोग दबके मर गए और 43 लोग फंसे हुए, तो ऐसे ही कई बड़े बड़े मतलब तूफान हरिकेन साइक्लोन वगैरह आते रहता है, इनसे भी आपको कॉम्बैट करना है। और तब अगर आप बचते हो तभी तो सर्वाइव करोगे। तो उस डार्विन का यही कहना था कि इन द कोर्स ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस दैट आर द वेन स्पीसीज, जो वहाँ पे जितना पैदा होता है वो तीन तरीके से फाइट करता, और जो बचेगा उसमें से उस फाइट में ओनली दैट सर्वाइव। जैसे मान लो किंग कोबरा अंडे देता है, 24 अंडे दिया, 24 में से क्या होता है जो कुछ बाहर निकलता है तो कुछ में से कुछ जो बच्चे हैं उसको तो खुद ही खा जाता है, बिकॉज देयर आर द कैनिबल्स, जो कैनिबलिज्म जहाँ पे है तो कुछ तो खुद ही खा जाता है, कुछ उसके बच्चे को सम अदर प्रीडेटर्स हैं तो वो अदर प्रीडेटर्स खा जाता है, कुछ उसमें से बच जाता है। तो हार्डली क्या होता है एक से दो या तीन ही बच पाया, अदरवाइज ऑल सफर कर जाता है, एलिफेंट में भी सफर करता है और वेस्टर्न में भी सफर करता है। दिस इज द रीजन बिहाइंड व्हाई ये जो है थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं कर पाया, और अभी तक ओयस्टर समुद्र में कहीं कहीं दिख जाता है, किंग कोबरा रेयरली देखने को मिलता है, और हाथी भी अब तो धीमे धीमे रेयर ही हो गया हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये जितने भी स्पीसीज हैं दे आर अनेबल टू कम बैक। अब ह्यूमन पॉपुलेशन क्यों ग्रो कर रहे हैं, चूंकि हम तीनों जगह पर फाइट कर रहे हैं, हम कोरोना को भी दबा दे रहे हैं, हम अल्टरनेटिव फाइट भी खोज ले रहे हैं, और हम तीसरा एनवायरनमेंट को भी हम कम चैलेंज तौर पे ले रहे हैं। सो स्पीसीज डो टू स्ट्रगल इन बेटर वे, ओनली दैट स्पीसीज सर्वाइव। आज ह्यूमन का सर्वाइवल का सबसे बड़ा कारण है ये कारण। यही कहा था कि पॉपुलेशन इतना नहीं बढ़ेगा जितना माल्था से चिंता जताया था कि भाई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में पॉपुलेशन बढ़ेगा और रिसोर्स घट जाएगा, और रिसोर्स के लिए पॉपुलेशन है वो फाइट करके वो समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसी को डार्विन ने अपने सिद्धांत से बताया कि चाहे कितना भी उसका पैदा करने की क्षमता हो लेकिन वो सारा बच्चा सर्वाइव नहीं करता है, क्योंकि उसे फाइट करना पड़ता है नेचर के साथ, फाइट करना पड़ता है अपने सेम स्पीसीज में, फाइट करना पड़ता है उसको अदर स्पीसीज के साथ। और ये जो स्ट्रगल है सो दैट आर कैटेगराइज इनटू टू थ्री कैटेगरी, वन इज कॉल्ड विद इन स्पीसीज दैट आर कॉल्ड इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, बिटवीन स्पीसीज हैं
that are called inter-specific struggle, and third is struggle with natural calamities or the environment. तीन तरह का यहाँ पे स्ट्रगल है. अब इस तीनों स्ट्रगल से जो बचेगा तो द ओनली दैट सर्वाइव, वही सर्वाइव करेगा और उसी में वेरिएशन होगा. अब देखो यहाँ पे थर्ड है वेरिएशन अंडर द नेचर. देयर आर डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल्स, दिस डिफरेंसेस आर कॉल्ड वेरिएशन. हम तुम अलग अलग दिखते हैं, ये भी वेरिएशन है. हम दूसरे स्पेसिस से अलग दिखते हैं, दिस इज कॉल्ड वेरिएशन. ड्यू टू वेरिएशन सम इंडिविजुअल वुड बी बेटर एडजस्टेड towards the surrounding than the others. Adaptive modifications are caused through the struggle for existence. According to Darwin, the variations are gradual, continuous, and those. Remember, याद रखना कि variation क्या होता है, gradual होता है, continuous होता है. And those which are helpful in adaptation of an organism towards its surrounding would be passed on to the next generation, while the other disappear. मतलब जो वेरिएशन भी यहाँ पे जो देख रहे हो आप लोग, ठीक है, जो स्पेसिस फाइट किया अब उसमें से भी क्या होगा, सम हैज मोर एबिलिटी टू कम्बैट, मोर एबिलिटी टू फाइट, ठीक है. और एक ही स्पेसिस में भी अगर दूसरे से ही फाइट करते तो कुछ कुछ, जैसे हम लोग हैं, हम लोग कुछ लोग ज़्यादा ताकतवर हैं, वो फाइट कर ले रहे हैं कोरोना से, कुछ लोग कमजोर हैं. तो जो फाइट करेगा वही तो सर्वाइव करेगा, ठीक है. और जो सर्वाइव करेगा वेरिएशन तो उसी में होगा, अदरवाइज तो वेरिएशन होगा ही नहीं. तब कहा कि इस इन दिस फाइट दोज हु सर्वाइव इन ए बेटर वे, दोज हु आर द फिटेस्ट इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू नेचर. नेचर जिस तरह का प्रेशर आपके ऊपर इम्पोज कर रहा है, उस हिसाब से आप में अगर चेंजेज हुआ, उस हिसाब से आप में मॉडिफिकेशन हुआ, उस हिसाब से आप में वेरिएशन आया, तो वो वेरिएशन आगे बढ़ेगा, वही स्पीशीज सर्वाइव करेगा, उसी का नेचुरल सिलेक्शन होगा. एंड दिस कॉन्सेप्ट वाज एक्चुअली, दिस इज इन रियल सेंस, इट इज द ओरिजिनल आइडिया ऑफ द हर्बर्ट स्पेंसर, हु यूज फर्स्ट टाइम द फ्रेज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. डार्विन का ने यूज किया था नेचुरल सिलेक्शन, बट डार्विन ने इन दोनों को मिक्स करके अपना रिजल्ट दे दिया. डार्विन फेमस ज्यादा था, बाद में और फेमस हुआ इसके कारण, कहा कि भाई फाइट में जो सबसे बेस्ट होगा वही सर्वाइव करेगा. आप लोग तैयारी कर रहे हो, सब लोग तैयारी करता है, आप लोग उससे ज्यादा पढ़ता है, जो सबसे बेस्ट पढ़ता है, जो दो जो नो व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, दे विल गेट इजी सिलेक्शन. जो लोग को ये जानकारी नहीं कि क्या पढ़े, क्या छोड़े, कैसे पढ़े, व्हाट आर इम्पोर्टेंट, व्हाट आर नॉट इम्पोर्टेंट, वो फंस जाते हैं अक्सर. फिर पढ़ते हैं सारे बच्चे, कुछ बच्चे पढ़ने में ज्यादा ही पढ़ते होंगे, लेकिन क्या पढ़ना है ये मांग भी समझ जरूरी है, क्या लिखना है मांग भी समझ जरूरी है. एंड इसके बाद इनटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन, कहा कि जो वेरिएशन यूजफुल होगा वो आगे पास करेगा, जो यूजफुल नहीं होगा वो पास नहीं करेगा. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, ठीक है, जो स्पीसीज है अलग अलग टेरिटरीज में वो चला मूव कर जाता है. तो इन लेटर कोर्स वो रिप्रोडक्टिव उसमें आइसोलेशन आ जाता है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन आ जाता है. And finally, in the long run, they fail to interbreed within a species, and that's why a new species arises as a result of the isolation. इसको समझ लो ऐसे. मैंने पांच बातें आप लोगों को बताया. पहला मैंने बताया ओवर प्रोडक्शन. ओवर प्रोडक्शन प्रोडक्शन का इमेंस कैपेसिटी है. ओवर प्रोडक्शन मीन्स हायर इमेंस कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन. अब इस कैपेसिटी से क्या होता है, भाई बच्चे तो ज़्यादा पैदा कर सकते हो, हु विल सर्वाइव. इस यहाँ पे बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं आपको, सर्वाइव उसी का होगा. नाउ दे स्टार्ट स्ट्रगलिंग, स्ट्रगल करेगा. अब स्ट्रगल करने के बाद अब इसमें से कौन सर्वाइव करेगा, दो आर द फिट, जो फिट होगा, जो फिट होगा टू ओनली दैट सर्वाइव, ये सर्वाइव करेगा. अब जो फिट हुआ उसमें से जो यूजफुल, जो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग जिसमें वेरिएशन होगा और वो आगे फ्लरिश करता चला जाएगा, तो दैट आर कॉल्ड वेरिएशन. और इस वेरिएशन के कारण ग्रेजुअली क्या हुआ, ये अलग अलग टेरिटरीज में, अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में चला जाएगा. ये अभी एक ही स्पीसीज था, ये सारा जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था. नाउ इट गेट डाइवर्ज, ये डाइवर्ज कर गया अलग अलग. और इन लॉन्ग रन यहाँ पे ज्योग्राफिकल तो ये बैरियर था ही यहाँ पे, अब धीमे धीमे क्या हुआ, ये स्पीसीज एक ही था
लेकिन अब यहाँ पे जब आया इसमें रिप्रोडक्टिव बैरियर भी आ गया, नाउ दे आर नॉट एबल टू इंटरब्रीड टुगेदर, अब ये इंटरब्रीड नहीं कर सकता है बिकॉज ऑफ ओके फिनोटिपिक चेंजेस ओके एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस, सो देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नॉट अलाउड टू ईच अदर गो फॉर द ब्रीडिंग और रिप्रोडक्शन, एंड दैट्स व्हाई अब ये जो स्पीसीज होगा बिकॉज ये रिप्रोडक्टिवली फेल हो गया तो नाउ इट ट्रांसफॉर्म इनटू सम अदर स्पीसीज, ये अलग स्पीसीज हो जाएगा, सो इसके जैसा जो स्पीसीज यहाँ पे होगा सो दे रिप्रोड्यूस अमंग देम, ये इसमें रिप्रोड्यूस कर सकता है पर ये इस ग्रुप में जो स्पीसीज आगे बढ़ेगा उसके साथ ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेगा, एंड दिस इज कॉल्ड ये रिप्रोडक्शन चूंकि नहीं हो पा रहे इन दोनों के बीच में, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट फेलियर ऑफ द इंटरब्रीडिंग एंड दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, अब ये स्पीसीज नया चला जाएगा और स्पीसीज का डेफिनेशन का क्या है, स्पीसीज का डेफिनेशन अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन एरिया एट ए पर्टिकुलर टाइम दोज एंड देयर मेंबर आर इंटरब्रीडिंग, अगर उसका मेंबर इंटरब्रीड करते तभी स्पीसीज होगा बिकॉज देयर मेंबर और इस ग्रुप का मेंबर इस ग्रुप से इंटरब्रीड नहीं कर सकता है, ये अब एक स्पीसीज नहीं रहा, ठीक है, तो यहाँ पे एक ही स्पीसीज था, यहाँ भी एक स्पीसीज था, यहाँ भी एक ही स्पीसीज था, फाइट हुआ, सर्वाइव किया, चेंज होता चला गया, वेरी चेंज हुआ, अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में चला गया रिप्रोडक्टिव बैरियर के कारण, अब ये क्या हुआ, अभी अलग स्पीसीज ये हो गया और अलग स्पीसीज ये हो गया, सो इन दैट वे न्यू स्पीसीज विल क्रिएटेड, अब नए स्पीसीज ऐसे बना। अब नेक्स्ट इसके बाद हम समझते हैं, आई होप कि आप लोग ये क्लियर हो गया होगा, अगर क्लियर हो जाए तो एटलीस्ट आप लोग लिखा करो कि सर क्लियर हुआ या नहीं हुआ, देन अगेन अदरवाइज आई विल रिपीट इट, फिर मैं रिपीट कर दूंगा अगर नहीं हुआ होगा तो, और अगर क्लियर हो गया देन आई एम मूविंग फॉरवर्ड। यस सर, गुड इवनिंग सर, थैंक यू। अब डार्विन का जो क्रिटिसिज्म है, सो व्हाई डार्विन आर क्रिटिसाइज बाय द ओके अदर्स, डार्विन ने अपना सिद्धांत दिया कि स्पीसीज कैसे बनता है, लेकिन इस सब के बावजूद भी डार्विन नॉट सेटिस्फाई द अदर मेंबर्स, डार्विन ने कई लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सका, उसके पीछे तमाम कारण दिए जाते हैं, पहला तो ये है कि डार्विन सेटिस्फाई उसका जो थियोरी था तो अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी दी वाई दे फेल टू सेटिस्फाई द अदर पीपल्स, कई लोग हैं तो अगर वो क्वेश्चन नहीं करता तो नॉलेज हम लोग कितना कहाँ बढ़ता, तो डार्विन का पहला है, डार्विन ने कहा एक इसमें देयर आर फाइव सिक्स थिंग्स, फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है इनहेरिटेंस ऑफ स्मॉल वेरिएशन, इनहेरिटेंस ऑफ स्मॉल वेरिएशन मतलब डार्विन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू नेचुरल सेलेक्शन थियोरी ओनली यूजफुल वेरिएशन आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, बट समटाइम स्मॉल वेरिएशन विच आर नॉट यूजफुल फॉर द पॉसेसर आर ऑल्सो इनहेरिटेड, डार्विन ने कहा था किसी भी यूजफुल वेरिएशन जाएगा जबकि ऐसा नहीं है, अच्छे के साथ साथ कुछ नुकसानदेह भी जो वेरिएशन होता है वो भी जाता है अगले स्पीसीज में, नहीं तो आज हम लोगों में कोई रोग ही नहीं होता। एग्जैक्टली दूसरा कहा ओवर स्पेशलाइजेशन ऑफ सम ऑर्गन्स, सम ऑर्गन लाइक टस्क इन एलिफेंट है, एंटीलर्स इन डियर्स हैं, हैव डेवलप्ड सो मच दैट डियर्स नहीं, यहाँ पे ये लगा लेना बारहसिंगा होता है ना, बारहसिंगा टू हैव डेवलप सो मच दैट इंस्टीड ऑफ प्रोवाइडिंग यूजफुलनेस टू पॉसेसर्स, ठीक है, मतलब वो उतना ये ज़्यादा हो गया कि इसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी हुई है, दे ऑफन गिव हिंड्रेंस टू देम, तो दिस थियोरी कैन नॉट एक्सप्लेन दिस फैक्ट, ये थियोरी ये क्लियर नहीं कर पा रहा है कि भाई ओवर स्पेशलाइजेशन तो हुआ उस ऑर्गन में पर उससे तो उसको खुद ही नुकसान होने लगा। सिमिलरली वाई वेस्टेज ऑर्गन आर प्रेजेंट इन सम एनिमल्स व्हेन दे हैव नो फंक्शन, जैसे हम लोग में है ना ईयर का पीना है, विजडम टूथ हो गया, हम लोग उसका यूज नहीं करते हैं, ईयर का पीना का हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना, देयर सो मेनी ऑर्गन लाइक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है हम उसका यूज नहीं करते हैं, स्टिल इट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, अकॉर्डिंग टू नेचुरल सेलेक्शन थियरी वेस्टेज ऑर्गन शुड नॉट बी प्रेजेंट, कहा कि नेचुरल सेलेक्शन का मतलब क्या हुआ, जो यूजफुल होगा वो रहेगा, अपेंडिक्स भी तो यूजफुल था कभी, आज अगर सब यूजफुल नहीं है तो उसको समाप्त होना चाहिए, फिर स्टिल क्यों बना हुआ है, तो ये तमाम ऐसे क्वेश्चन था। इसके अलावा जैसे देखो डार्विन का जो विकासवाद है
ठीक है ना, उसका एकमात्र जो प्रिंसिपल है वो है नेचुरल सिलेक्शन। जबकि हम ये भी जानते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन आर नॉट ओनली थिंग, नेचुरल सिलेक्शन सिर्फ नहीं है, इसके अलावा न्यूट्रिशन भी है, इंटरब्रीडिंग भी है, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी है, ये सब भी वेरिएशन को कॉज करता है। और इसमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि सारे वेरिएशन यूजफुल नहीं होते हैं, कई सारे वेरिएशन नुकसानदेह भी होता है, और जो नुकसानदेह होता है अच्छे के साथ साथ वो भी पास करता है। और एंड डार्विन नॉट टॉक अबाउट दैट, डार्विन इस विषय में ज़्यादा प्रकाश डाला ही नहीं। सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ के थोड़ा सा देखें इसको सिद्धांत में, डार्विन अराइवल ऑफ द फिटेस्ट, द थ्योरी ओनली एक्सप्लेन द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बट इज अनएबल टू एक्सप्लेन द अराइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है, कि नया स्पीसीज भी आ सकता है, इस पर डार्विन ने बात नहीं किया। सिमिलरली डिजनरेशन ऑफ ऑर्गन्स, द थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर द डिजनरेशन ऑफ सर्टेन ऑर्गन एनिमल्स, जो ऑर्गन डिजनरेट हो सकता है इस पर बात की थियोरी नहीं कर रहा है। डिसकंटिन्यूस वेरिएशन, द थियोरी फेल टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ सडन चेंज इन द बॉडी, द मेन ड्रॉबैक ऑफ डार्विन डार्विन्स थियोरी इज द लैक ऑफ नॉलेज ऑफ हेरेडिटी एंड दैट इज व्हाई ही कुड नॉट एक्सप्लेन दैट हाउ द वेरिएशन आर कॉज्ड, वेरिएशन कैसे हुआ, क्योंकि डार्विन को पता ही नहीं था कि जेनेटिक्स के विषय में, जीन के विषय में, क्रोमोजोम के विषय में। तो हाउ दे सेटिस्फाई द पीपल्स इन देयर टाइम एंड आफ्टर देयर टाइम, बिकॉज दे आर द वन ऑफ द प्रिमिटिव पर्सन्स दोज हू गेव द थियोरी ऑफ इवोल्यूशन। तो अगर हम इतना इस रेट पर क्रिटिसाइज करेंगे तो थोड़ा सा जमेगा नहीं। लेटर फ्यू पीपल्स ऑल्सो केम इन फेवर ऑफ डार्विन्स एंड दे सपोर्ट द डार्विन्स इन टर्म्स ऑफ द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ये सब जो बातें, इस पर सपोर्ट किया डार्विन को। फाइनली क्या हुआ कि इस थियोरी से होते हुए डार्विन अब पहुंच गया, यहाँ से चला गया न्यू डार्विनिज्म। डार्विनिज्म को कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया है, डार्विन को कुछ लोगों ने विरोध भी किया है, पर डार्विनिज्म एकमात्र थियोरी ऐसा एवोल्यूशन का जिसको हम टोटली रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। देयर आर सो मेनी ग्राउंड ऑन दैट पीपल्स ट्राई टू criticize it. There are so many ground on that people try to encourage Darwinism. But in your decision, just you need to write about what people say. But still, Darwinism is relevant, and that's why Darwinism we are studying and that are in our syllabus. One second thing is Darwin in their time, whatever their knowledge that are the result of their own observation on the fringes of the गैलापागोस आइलैंड, बिकॉज डार्विन ने वहाँ पे जो लगातार जो कई सारे जो आइलैंड था वहाँ पे फिंच पे स्टडी किया, उसका प्रॉपर स्टडी करने के बाद वट एवर देयर रिजल्ट, वट एवर देयर ऑब्जर्वेशन, सो दे कंक्लूड देयर रिजल्ट एंड ऑब्जर्वेशन, एंड आफ्टर दैट दे कंक्लूड देयर रिजल्ट एंड दैट विल सेटिस्फाई, एंड मालथस को भी सेटिस्फाई किया, बाद बाकी लोगों को सेटिस्फाई किया कि द वे यू आर थिंकिंग द थिंग नॉट बी गोइंग टू बी हैपनिंग लाइक दैट, डेफिनेटली इट विल गेट चेंज and the thing will happen. तो उसने एक अपना प्रारूप दिया कि हाउ द स्पीसीज विल अराइव, और नए स्पीसीज भी आएगा, ओनली दोज स्पीसीज दैट विल अराइव दो सेटिस्फाई द इन्वायरमेंटल नीड्स दोज। ओके, डार्विन का सिर्फ यही कसूर था, उसने कहा कि भाई जो इवोल्यूशन है एक तो ग्रेजुअल है, कंटिन्यूस, जबकि ऐसा नहीं है, डिसकंटिन्यूस होता है ये। जबकि डार्विन ने ये भी कहा, डार्विन हैव नो नॉलेज अबाउट द जेनेटिक्स एंड एक प्रॉब्लम था डार्विन के साथ। तीसरा प्रॉब्लम था डार्विन के साथ कि डार्विन का जो थियोरीज था उसमें उसने उन फैक्टर को तो लिया है जो इन्वायरमेंट हो गया या जो स्ट्रगल है, लेकिन डार्विन ने कभी भी वेस्टिजियल ऑर्गन के बाद या रेसिडुअल जो ऑर्गन्स हैं उस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। तो दीज आर द ड्रॉबैक ऑफ डार्विनिज्म। नेक्स्ट वन इज द न्यू डार्विनिज्म। न्यू डार्विनिज्म क्या है? देखो, डार्विनिज्म अगर हम इसको कहें, डार्विन के थ्योरी पे जिन लोगों ने काम किया, जिन लोगों ने ड्रॉबैक पे पढ़ाई किया, जिन लोगों ने फेवर इसके थ्योरी पे पढ़ाई किया, एंड दे अगेन ट्राई टू एस्टैब्लिश डार्विनिज्म, दैट आर कॉल्ड न्यू डार्विनिज्म। तो न्यू डार्विनिज्म, ओके, एंड दैट्स व्हाई न्यू डार्विनिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉडर्न सिंथेटिक थियोरी। डार्विन के थियोरी को कॉन्सेप्चुअलाइज करके बाय द सपोर्ट ऑफ जेनेटिक्स बाय सो अगेन पीपल ट्राई टू एस्टैब्लिश एंड सो दैट्स वेयर इट रिप्रेजेंट्स इंटीग्रेशन एंड सिंथेसिस ऑफ चार्ल्स डार्विन थियरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन
by genetic, okay, Mendelian genetics and inheritance and modern population genetics. का तीन एलिमेंट डार्विनिज्म बेस्ड था नेचुरल सिलेक्शन पे, नेचर पे बेस्ड था. अब इसमें जो नए जो लोग आए जिन्होंने डार्विन को पढ़ा, जिन्होंने मेंडल को पढ़ा, जिन्होंने पॉपुलेशन जेनेटिक्स को पढ़ा है, इन सब लोगों ने तीनों को जोड़ करके डार्विनिज्म को ही री एस्टेब्लिश किया हुआ है. सो इसका नाम न्यू डार्विनिज्म या न्यू सिंथेटिक थियोरी होना चाहिए जो है भी, इसका नाम एक और होना चाहिए, री सिंथेटिक थियोरी. और इट्स बेसिकली रीडिस्कवरी ऑफ डार्विनिज्म है ये. तो न्यू डार्विनिज्म इंट्रोड्यूसेस द कनेक्शन बिटवीन टू इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, वन द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन एंड अदर मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन दैट इज नेचुरल सिलेक्शन. सो इन व्हाट वे नेचुरल सिलेक्शन आर रिलेटेड आर बेस्ड ऑन आर इंटीग्रेटेड विथ द इवोल्यूशन ऑफ द जीन्स. So new Darwinism thus fused two very theory different, and they try to investigate about various drawback of Darwinism, and on the basis of the genes and the genetics knowledge they try to re-establish the Darwinism. So new Darwinism or new synthetic theory is nothing more than the integration of genes and then knowledge of population genetics to re-establish the Darwinism. And the pioneer scientists, those who work for this, are the basically the R.A. Fisher, J.B. Sheldon, Ernest Mayr, Julian Huxley, and G.G. Simpson. So they contribute besides it, Dobzhansky, Muller, De Vries, Stevens. Okay, so in local contribution, and Hardy Weinberg, Sewall Wright, इन लोगों ने पॉपुलेशन जेनेटिक्स पे काम किया. तो आप लोग तीन बातें यहाँ पे रखना याद, ये तीनों साइंटिस्ट थे, इसमें तीन तीन हैं. वन है जो जेनेटिक्स और म्यूटेशन जुड़ा हुआ है, उसमें जो पायनियर है वो है मुलर है, मॉर्गन है, डी ब्रीज है, ठीक है. जो लोग डार्विनिज्म से जुड़ा हुआ है वो फिशर है, हेल्डन है, जूलियन हक्सले है, सिम्पसन्स हैं. और जो लोग यहाँ पे पॉपुलेशन जेनेटिक्स से जुड़ा हुआ है वो हो गया विनबर्ग, सिवल राइट, ओके. इन लिए अलग अलग फील्ड के लोग हैं और इन लोगों ने अपने अपने थ्योरी को इंटीग्रेट किया एंड गेव द न्यू सिंथेटिक थ्योरी. सो द प्रोपोनेंट ऑफ द सिंथेटिक थ्योरी मेंटेन दैट ऑल इवोल्यूशन इज ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ स्मॉल जेनेटिक चेंज गाइडेड बाय नेचुरल सिलेक्शन. रिमेंबर इट, ऑल इवोल्यूशन इज ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ स्मॉल जेनेटिक चेंज, मतलब छोटे छोटे जो चेंज होता है जीन के स्तर पर, ओके, एंड दैट आर गाइडेड बाय मींस डायरेक्टेड बाय नेचुरल सिलेक्शन और नेचर. सो एंड दैट ट्रांस स्पेसिफिक इवोल्यूशन इज नथिंग बट एन एक्सट्रापोलेशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इवेंट दैट टेक्स प्लेस बिटवीन पॉपुलेशन एंड स्पीसीज. आज हम लोग जो हैं, हम लोग शरीर में, हम बैठ के मैं यहाँ से पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ भी रहे होंगे, जो छोटे छोटे चेंज हमारे बॉडी में हो रहे हैं जीन के स्तर पर, ये हमें अपीयर नहीं हो रहा है, बट इट डेफिनेटली इट अराइव इन आवर नेक्स्ट जनरेशन. एंड इन दैट वे इवन ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन स्पीसीज, वन डे इट विल चेंज. सो द कोर ऑफ द सिंथेसिस थियरी रीस्टेट द टू मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक असर्शन ऑफ डार्विन हिमसेल्फ. फर्स्ट, डार्विन ने खुद ही बात कहा था कि द इवोल्यूशन इज टू स्टेज प्रोसेस. One means random variations as raw material, natural selection as directing force. Natural selection as directing force. Which nature जैसे जैसे guide करेगा वैसे वैसे gene बदलेगा, वैसे वैसे variation होगा. So variation is the raw material for evolution. सिंगल शब्द में समझ लो आप. And second उसने कहा था evolutionary change is generally slow, steady, gradual and continuous. Gradual भी कह रहा है लोग, continuous भी कह रहा है लोग, steady भी कह रहा है लोग, slow भी कह रहा है. अब देखो क्वेश्चन आप लोगों को कहाँ से लिखना है, कहाँ से क्वेश्चन बनेगा. नंबर आप जब आंसर करोगे तो यहाँ से स्टार्ट करना, न्यू डार्विनिज्म. सो जस्ट यू नीड टू राइट न्यू डार्विनिज्म नथिंग मोर देन द री सिंथेसिस ऑफ डार्विनिज्म.
And in that, the concept of population genetics, concept of Mendelian genetics, and the concept of evolution are taken together by various scientists, and they conclude this and synthesize new Darwinism, and that are known as the neo Darwinism. So what factor operate for the formation of a new species? डार्विन ने भी यही बात कहा था कि नई स्पीसीज कैसे बनता है, और सिंथेटिक थ्योरी भी यही बात कर रहा है कि नई स्पीसीज कैसे बनता है। डार्विन ने जो पांच बातें कहा था, ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है, एंड फाइनली वहां पे आ गया था वो वेरिएशन एंड फाइनली द स्पीसिएशन। यहां भी हम उसी की बात करेंगे, जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन, आइसोलेशन एंड स्पीसिएशन। तो पहला समझते हैं कि जीन म्यूटेशन क्या होता है। देखो, जीन म्यूटेशन का मतलब सडन चेंज इन जीन, जैसे मैं यहां पे डायग्राम बना रहा हूं। जीन इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जैसे डीएनए होता है ना, ये लॉन्ग डीएनए, डीएनए का जो फंक्शनल पार्ट है दैट आर कॉल्ड जीन। पूरा डीएनए, डीएनए इज नथिंग मोर देन द जीन। पूरा डीएनए है ही क्या, ये डीएनए, ये भी एक जीन है, ये छोटा सा एक जीन हो सकता है, ये बड़ा सा जीन हो सकता है, ये छोटा जीन हो सकता है। तो जीन, डीएनए इज नथिंग मोर देन द क्लस्टर ऑफ जीन। डीएनए कंपोज मोर देन 30,000 टू 35,000 जीन्स राइट नाउ बी दैट इन आवर पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन की बात मैं कर रहा हूँ। अगर किसी और में देखोगे तो वो वेरिएबल नंबर होगा जीन, मतलब डीएनए जो भी ऑर्गेनिज्म है सबका उसमें क्या जीन है। एंड जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, ये फंक्शनल यूनिट है डीएनए का। बड़े टर्म जीन दिया था जॉनसन ने, और जीन फंक्शन का मतलब इट डिटरमाइंस द कैरेक्टर, ये कैरेक्टर को डिटरमाइंस करता है। एंड इट इज गाइडेड बाई एनवायरमेंट, जीन को गाइड कौन करता है, एनवायरमेंट गाइड करता है। And according to environment, gene brings change. Gene में change होते रहता है। Sometime what happens? ये जो change gene में होता है, sometime ये change lethal होता है, और sometime ये change beneficial होता है। It depends on what parameter that brings the change. अब gene, अगर हम DNA के इस part को देखें तो it is made up of nucleotide. DNA किससे बना हुआ था? Nucleotide से बना हुआ था। Nucleotide किसका बना हुआ है? होता है बेस sugar phosphate का बना हुआ होता है। और बेस किसका बना हुआ है? Purine pyrimidine है। प्यूरिन में कौन कौन सा है? एडेनिन है, थायमिन है, और पायरिमिडिन क्या है? गुआनिन, साइटोसिन और यूरैसिल है। अब आप देखते हो कि मतलब डीएनए जो बना हुआ है बेसिकली, मान लो एडेनिन है, थायमिन है, मैंने कहा गुआनिन है, साइटोसिन है, ऐसे ही एडेनिन के अपोजिट में कहा जाएगा यहाँ पे थायमिन होगा, थायमिन के अपोजिट में यहाँ पे हो गया एडेनिन, गुआनिन के अपोजिट में यहाँ पे हो जाएगा साइटोसिन, और साइटोसिन के अपोजिट में यहाँ पे हो जाएगा गुआनिन। बॉन्ड यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये एक लॉ है, ये पार्ट है, ये डीएनए का, ये एक स्ट्रैंड है, डीएनए का स्ट्रैंड है, और ये बाई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ इस, ये मान लो ये एक जीन है। इसमें से किसी एक बेस में अगर अचानक कोई चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ द सनलाइट और अल्ट्रा वायलेट लाइट के कारण कोई चेंज हो गया, तो ये जो सीक्वेंस बिगड़ गया, अगर ये सीक्वेंस बिगड़ गया तो ये जो जीन है, मान लो मैंने कहा ये जीन ए है, ये ए जीन का पहले काम था यूजफुल सम प्रोटीन को बनाने के जवाब दे था ये, बिकॉज प्रोटीन जो बनाएगा वही प्रोटीन कैरेक्टर को डिटरमाइन करेगा, ये प्रोटीन करेक्टर का डिटरमाइनर है। अब मान लो ये प्रोटीन, जब ये जीने गलत हो गया तो प्रोटीन गलत हो जाएगा, प्रोटीन जब गलत है करेक्टर भी गलत आएगा। तो एक जीन के कारण क्या हुआ, ये करेक्टर चला गया आपका, और ये करेक्टर अगर गया तो बड़ा नुकसान हो गया, ये चेंज हो गया ये। और इफ इट इज यूजफुल फॉर द इन्वायरमेंट, देन इन्वायरमेंट गिव्स इट अपॉर्चुनिटी टू गो फॉरवर्ड। अगर ये इन्वायरमेंट के लिए यूजफुल नहीं रहा, हो सकता है इसको स्टॉप भी कर दे, पर एक जीन में चेंज होने से इतना बड़ा चेंज होता है। तो देयर आर, ओके, मैंने क्या कहा, हजारों जीन होता है, और कुछ कुछ थोड़े थोड़े से सडन चेंज अगर जीन में जो होता है, सो सडन चेंज इन जीन इज कॉल्ड बेसिकली जीन म्यूटेशन। दिस सडन चेंज इन ब्रॉट इट ड्यू टू द अल्ट्रा वायलेट लाइट, ड्यू टू द वायरस, ड्यू टू द एनी एनवायरमेंटल और बायोलॉजिकल एजेंट, एंड व्हेन सडन चेंज टेक्स प्लेस इन द जीन, तो डीएनए में हो जाएगा, डीएनए को सेगमेंट में हो जाएगा, प्रोटीन गलत आ जाएगा, करेक्टर गलत आ जाएगा, तो आगे नहीं बढ़ेगा। अगर वो लीथल हुआ तो नुकसानदेह हो जाएगा, अगर बेनिफिशियल हुआ, कई दफा बेनिफिशियल होता है, इट वर्क। तो ये जो बेनिफिशियल है, इट मीन्स कि इट इज अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट डिजायर्ड इफ द चेंज टेक्स प्लेस, एंड दैट आर ओके एक्सेप्टेड बाय द एनवायरमेंट, सो दैट गेट फ्लरिश्ड, ठीक है। एंड दिस चेंज, अगर थोड़े थोड़े चेंज जब एक्युमुलेट हो जाता है तो सेवरल माइक्रो चेंज, ओके, और माइक्रो इवोल्यूशन
one day brings a macro evolution, a large change. A large change caused change in the species composition, and that's why mutation is called, mutation is the raw material of evolution. Gene स्तर पे कोई change होगा, species बदलेगा, और इसलिए mutation को हम बोलते हैं, it is the raw material of evolution. Remember it. Second क्या chromosomal mutation? Like gene mutation, chromosome का मतलब हुआ DNA, chromosome is made up of DNA. Chromosome किसका बना हुआ? DNA का बना होता है. DNA upon condensation give rise nucleosome. A nucleosome upon condensation and coiling forms or constitutes what? Chromosome. जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि DNA है ये. अब ये DNA once it get unite by the protein, there are some protein that are called histone protein चाहिए. अब इससे क्या bind होगा? And this model of okay. अब बीट्स ऑन ए स्ट्रिंग मॉडल दैट आर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम. ये क्या है? न्यूक्लियोसोम है. ग्रेजुअली ये जो होगा, नाउ इट अपीयर्स लाइक दैट थ्रेड. ये थ्रेड की तरह अपीयर होगा. दिस थ्रेड इज कॉल्ड क्रोमेटिन थ्रेड. दिस इज द क्रोमेटिन थ्रेड एंड फाइनली दिस थ्रेड स्टार्ट्स कॉइलिंग इन दैट वे. तो नाउ इट टेक्स फॉर्म क्रोमोजोम. यही क्रोमोजोम हो गया. और क्रोमोजोम का ये दो आर्म है, क्रोमेटिड. इसमें से अगर अब यही क्रोमोजोम ओके, तो जीन इज कॉल्ड डिटरमाइनर ऑफ कैरेक्टर्स. डीएनए इज कॉल्ड बेसिकली द रिपोजिटरी हाउस ऑफ द जेनेटिक कैरेक्टर्स. एंड क्रोमोजोम इज कॉल्ड व्हीकल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर. मतलब लक्षण का जो वंशागति होता है वो क्रोमोजोम के कारण होता है. सो कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन पास टू द नेक्स्ट जनरेशन थ्रू द क्रोमोजोम. क्लियर? बिकॉज इन सेल डिविजन DNA not participate or gene not participate. In cell division, chromosome participate in order to go equally in both quantitatively and qualitatively in two daughter cells. तो character दोनों daughter cell में बराबर बराबर जाए. तो जरूरी क्या है कि chromosome के level पर जब आ जाता है तब division हो. अगर ये DNA के level पर division हो जाता है तो DNA क्या है? Thread की तरह है. And it's quite difficult to separate equally both quantitatively and qualitatively DNA into two groups, into two cells or two daughter cells. So ये नहीं हो सकता. तो inequality वहाँ पर हो जाता. So for the sake of equal distribution of character, DNA finally upon condensation and coiling goes inside the chromosome. So chromosome are nothing more than the बंच ऑफ द डीएनए. ये क्या है? डीएनए ही है. अब डीएनए है तो जीन भी इसी के अंदर होगा, क्रोमोजोम के अंदर. एंड देयर अरेंजमेंट अ लीनियर होता है. लीनियर अरेंजमेंट होता है जीन का क्रोमोजोम के भीतर. अब क्रोमोजोम डिवाइड होगा. जैसे मान लो 46 क्रोमोजोम हम लोगों में है, तो 46 क्रोमोजोम का मतलब क्या हुआ? जब 46 क्रोमोजोम जब डिवाइड करता है, अगर ये माइटोसिस सेल डिवीजन में जाएगा तो वहां पे क्या होगा? एक सेल माइटोसिस में जाता है, एक सेल से दो सेल बनेगा, और उस दोनों सेल में क्रोमोजोम का नंबर क्या होगा? 46 बना रहेगा. लेकिन अगर वो म्यूसिस में जाता है तो एक सेल से क्रोमोजोम का नंबर क्या होगा? रिड्यूस बाय हाफ, मतलब 23 जाएगा. तो म्यूसिस रिजल्ट्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, स्पर्म एंड एग्स. माइटोसिस रिजल्ट्स फॉर्मेशन ऑफ सेल्स ऑफ द बॉडी दैट आर कॉल्ड सोमेटिक सेल्स. और सोमेटिक सेल नंबर इक्वल रहता है, इसलिए स्किन अगर कटता भी तो स्किन ही बनता है. लेकिन अगर स्पर्म और एक आर डिफरेंट सेल्स, तो डिफरेंट सेल होता है. अब समझो यहाँ पे हम उधर नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा डीप नहीं जाना चाहिए, फिर आप लोग मुश्किल हो जाएगा समझना. तो ये क्रोमोजोम है. क्रोमोजोम के अंदर डीएनए भी है, जीन भी है, और सेल डिवीजन क्रोमोजोम ही बढ़ता है. इन द एट द टाइम ऑफ डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोजोम और सेपरेशन ऑफ क्रोमोजोम, इफ एनी ऑफ द आर्म्स आर दैट डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली, दैट ब्रिंग्स म्यूटेशन. टूट जाए, अनइक्वल हो जाए, तो इसे क्या होगा? इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रोमोजोमल म्यूटेशन. एंड दैट ब्रिंग्स उससे भी नुकसान होगा. सिमिलरली थर्ड है जेनेटिक रिकम्बिनेशन. भाई जब सीएल्स देखे होंगे कि एक सेल बनता है, उस सेल में मदर से भी कैरेक्टर आता है, फादर से भी कैरेक्टर आता है. मदर से भी जीन आता है, फादर से भी जीन आता है. मदर से भी क्रोमोजोम आता है, फादर से भी क्रोमोजोम आता है. और ये क्या होता है जब आप पढ़े होगे, तो बिफोर सेपरेशन ऑफ द क्रोमोजोम, क्रोमोजोम का सेपरेशन होने से पहले वट एवर द करेक्टर सो दैट गेट ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर रिकम्बाइन होता है वहाँ पे. एंड आफ्टर दैट
रिकम्बिनेशन के बाद, क्रॉसिंग ओवर के बाद करेक्टर का तो दोनों साइड में वो बढ़ जाता है। इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो, मैंने कहा क्रॉसिंग ओवर का क्या सिग्निफिकेंस है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसको ऐसे समझो थोड़ा सा, पहले सुन लो आप लोग ध्यान से। देखो तो जेनेटिक रिकम्बिनेशन का मतलब हुआ क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, जब होमोलोगस क्रोमोजोम है तो उस क्रोमोजोम में क्रॉसिंग ओवर होगा एंड थ्रू दैट क्रॉसिंग ओवर द करेक्टर विल गेट रिकम्बाइंड एंड आफ्टर दैट द थिंग विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एंड इन दैट वे द न्यू करेक्टर अराइव। द जेनेटिक रिकम्बिनेशन ऑल्सो ब्रिंग द वेरिएशन। फोर्थ है यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन। मैंने कहा ही था जो भी चेंजेस हुआ, जो भी वेरिएशन आया, आइदर बिकॉज ऑफ रिकम्बिनेशन और क्रोमोजोमल म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन, जो वेरिएशन आया उसमें से जो यूजफुल होगा तो दैट आर ऑप्टेड बाय द नेचर्स, सेलेक्टेड बाय द नेचर्स एंड ओनली नेचर अलाउ देम टू ओके टू गेट फ्लरिश एंड इन दैट वे न्यू करेक्टर विल गेट फ्लरिश। एंड फाइनली मैंने कहा आइसोलेशन, वंस ट्रॉपिकली आइसोलेट हो गया एंड लेटर रिप्रोडक्टर भी आइसोलेट हो जाएगा तो दैट रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज, इन दैट वे द थिंग विल गेट एस्टैब्लिश एंड न्यू स्पेसीज विल गेट फॉर्म एंड दिस इज द अल्टीमेट थियोरी ऑफ द न्यू डार्विनिज्म। सो न्यू डार्विनिज्म नॉट ओनली टॉक अबाउट द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन टर्म्स ऑफ द फाइट विद द स्पेसीज विद द रिस्पेक्टिव एनवायरमेंट। New Darwinism also included the elements like gene mutation, chromosomal mutation, DNA replication, genetic recombination, genetic drift, natural selection, isolation, reproductive isolation, and geographical isolation, and finally speciation. Gene में change होगा या chromosome में change होगा या homologous chromosome है वो recombine होगा और natural, ठीक है ना, इन सबसे जो variation होगा उसमें से जो useful जो variation होगा दैट आर एडोप्टेड बाई द नेचर एंड नेचर इसको अपना करके जब वो वेरिएशन किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में जाकर कन्फाइन करेगा दैट आर कॉल्ड द जोग्राफिकल आइसोलेशन एंड लेटर इफ द कंसर्न पॉपुलेशन आर फेल टू इंटरब्रीड दैट आर कॉल्ड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड दैट लीड्स टू अल्टीमेटली द इवोल्यूशन ऑफ द न्यू स्पेसीज। इन दैट वे न्यू स्पेसीज इवॉल्व फ्रॉम द अर्लियर स्पेसीज एंड दैट आर द कोर्स ऑफ द नेचर। नेचुरल सिलेक्शन के कुछ एग्जांपल भी आप लोग पढ़े होंगे। वन इज द टेक एग्जांपल, मोस्ट कॉमन एग्जांपल है ये इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। आपने नाम सुना होगा बिस्टन बेटुलेरिया का। बिस्टन बेटुलेरिया क्या है, ये एक मॉथ है, ये मॉथ मीन्स क्या हुआ इंसेक्ट है, ये जो इंडस्ट्रियल मेलानिक मॉथ इसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है, ग्रे कलर का होता है, ठीक है। और इसमें एक एबिलिटी है कैमोफ्ले का, मतलब छुप जाने का, इस पे ट्री के ट्री पे, क्योंकि जो ट्री मान लो कवर्ड है लाइकेन से, लाइकेन क्या होता है अल्गी और फंगी का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। बारिश के बाद आप लोग क्या देखते हो, बारिश होता है आपके मकान के बाहर तो उसके ऊपर देखोगे हरे हरे कलर का दीवार पे कुछ जम जाता है ग्रे कलर का, वो एक काइंड ऑफ लाइकेंस है बिकॉज लाइकेंस जनरली ग्रो ऑन द रॉक्स और देयर वेयर और सिम्बियोटिक एसोसिएशन में प्रिवेल्स इन दैट एरिया। तो ग्रे कलर्ड जो मॉथ है यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो जब ये जनरली पेड़ पर रह रहा था, ये ग्रे कलर का था और छुपा हुआ था, इससे कोई प्रेडेटर इसको पहचान नहीं पा रहा था। इंडस्ट्रियल जब ये रिवोल्यूशन हुआ वहाँ पे तो क्या हुआ, उसके कारण पोल्यूशन काफ़ी फैला, पोल्यूशन का जो लाइकेन था ट्री पे वो लाइकेन सफर कर गया दैट गेट किल्ड ड्यू टू स्मोक और ब्लीचिंग ऑफ ब्लीचिंग आउट ऑफ द फैक्ट्रीज। तो ट्री ट्रंक नाउ बेयर हो गया, वो खाली हो गया वो, और अब ये जो मॉथ का जो कलर था इसका कलर तो ग्रे ही था, ट्री ट्रंक तो खाली है प्लेन हो गया हुआ, उस पर ग्रे कलर का चिपका हुआ है। इसका जो प्रेडेटर जो बर्ड था, सो दे इजली आइडेंटिफाई देम अर्लियर, दे कंफ्यूज बिकॉज दे नॉट आइडेंटिफाई दे बर्ड थिंग दैट इट इज नथिंग द लाइकेन है ये, और वो तो लाइकेन को तो फिट करता नहीं है, ठीक है। अब जो चूंकि लाइकेन समाप्त हो गया तो अब वहाँ पे ये ग्रे कलर का मॉथ बर्ड्स के द्वारा प्रॉपरली डिस्टिंग्विश किया जा रहा था एंड दे अटैक ऑन देम लाइक ओके एंड दे मेक देम देयर प्रे।
अब बर्ड्स ने उसे प्रे के तौर पर इस्तेमाल कर लिया है। तो नाउ नेचुरल सिलेक्शन फेवर्ड डार्क कलर्ड मॉथ ओनली। मतलब क्या हुआ कि इसमें जिस ही मॉथ का कलर ग्रे रहता तो साउथ हुआ था, इंडस्ट्रियल के जो रिवोल्यूशन था उससे जो पोल्यूटेंट निकल रहा था उसमें से वही मॉथ बच पाया जिसका फेदर का जिसके विंग्स का जो कलर था वो डार्क कलर का हो गया। एंड नाउ इट गेट मिक्स विद द ट्री ट्रंक, ट्री ट्रंक भी लाइकेन के सफर होने के बाद ब्लैक हो गया था। और जो मॉथ अपने आप को नहीं बदल पाया तो वो कमा फ्लिक नहीं कर पाया, छुप नहीं पाया उस बियर ट्रंक पे। और जो कमा फ्लिक कर लिया मीन्स विंग्स का अच्छा कलर चेंज हो गया तो ओनली दे सर्वाइव। सो सिंस द मॉथ हैज ओनली वन जनरेशन इन अ ईयर इन लेस देन 50 जनरेशन द नेचुरल सिलेक्शन रिप्लेस ग्रे पॉपुलेशन विद ब्लैक पॉपुलेशन। ग्रेजुअली क्या हुआ कि इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस किया तो ब्लैक पॉपुलेशन का मॉथ ठीक है इन 50 जनरेशन बच पाया एंड दोज आर द ग्रे कलर्स दैट सफर। यही कहा जाता है कि जब नेचर का दबाव पड़ता है तो लोग भी अपना रंग बदल लेता है और स्पेसीज भी अपना रंग बदल लेता है। ऐसा ही एक थियरी है लीडरबर्ग रेप्लिका प्लाटिंग एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट को भी आप लोग पढ़ सकते हो। और इस एक्सपेरिमेंट में ये पेंसिलिन पे किया था और इकोलाई पे किया था। और इकोलाई में आप लोग जानते हैं इकोलाई बाय एक्सपोजिंग द ससेप्टेबल स्ट्रेन टू पेंसिलिन। ये क्या इकोलाई का बैक्टीरिया होता है कि पेनिसिलिन से जब इस पर डोज दोगे तो उसके प्रति क्या होता है, ये काफ़ी संवेदनशील होता है एंटीबायोटिक वर्क अगेंस्ट द बैक्टीरिया। आई द जनरेशन टाइम ऑफ द बैक्टीरियम 20 to 30 minutes ओनली। 100 ऑब्जर्वेशन कुड बी कल्चर्ड एंड एक्सपोज टू पेंसिलिन विद अ शॉर्ट टाइम फाउंड दैट न्यूट्रिशन फॉर इंस्टेंस अपीयर इंस्टेंटली एंड क्विकली रिप्लेस द ससेप्टेबल पॉपुलेशन बाय नेचुरल। तब क्या हुआ, जो इकोलाई मर जा रहा था एंटीबायोटिक एक्सपोजर से, नाउ बिकॉज ऑफ द टाइम जैसे बार बार जब इसको देते रहे तो 20 ठीक है ना, तो कुछ जनरेशन में जाकर के ये इकोलाई उसके प्रति क्या हुआ, रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। मीन्स वो जो रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया ठीक है, तो वन जिसने किया वो तो बच गया एंड दोज हु आर नॉट डेवलप शुड ओनली दे सफर ठीक है। लेकिन हुआ यहाँ पे बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस एक्सपोजर ऑफ द पेंसिलिन द इकोलाई ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स एंड फ्रॉम अ ससेप्टेबल पॉपुलेशन नॉट फ्री फ्रॉम, तो जो भी ससेप्टेबल था उसको समाप्त कर दिया और जो रेजिस्टेंट था वो डेवलप कर गया। तो इसलिए हमें बार बार मेडिसिन को भी चेंज करना पड़ता है। और ये चेंज कैसे किया होगा, उसने अपने जीन लेवल पर चेंज किया होगा। और इसलिए एंटीबायोटिक लेने में की बताता हूँ, वेन एवर यू आर गोइंग टू टेक एंटीबायोटिक यू नीड टू कंज्यूम एंटीबायोटिक प्रॉपरली। आपको एंटीबायोटिक हमेशा डॉक्टर सजेस्ट करे उसके हिसाब से लेना चाहिए अथवा नहीं लेना चाहिए। तो इवोल्यूशन का ये जो दो थियरी है, लामार डार्विनिज्म एंड न्यू डार्विनिज्म। अब यहाँ पे आज हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन सेशन देखेंगे पहले बिफोर गोइंग टू दिस सेशन। सो आई एम गोइंग टू गिव यू सम क्वेश्चन एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन आस्क फ्रॉम द एंथ्रोपोलॉजी इन दिस सेक्शन। तो फर्स्ट मे दे आस्क टू यू अबाउट एनी ऑफ द इसमें से कुछ भी पूछ सकता है आप लोगों को। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है, क्वेश्चन क्या होगा आप लोगों का, कंपेयर नियो लामार्किज्म विथ द डार्विनिज्म और डार्विनिज्म विथ लामार्किज्म और ओके कंपेयर नियो डार्विनिज्म एंड डार्विनिज्म, इसमें से हो सकता है। या सवाल बन सकता है कि हाउ डज नेचुरल सेलेक्शन एक्ट एज अ वेरिएशन, Why mutation is called the raw material of evolution? Justify this statement. So may they ask the question in that way, or may they ask to discuss in details the synthetic theory of evolution, the light of genetics and the population genetics. ये भी सवाल पूछ सकते हैं आप लोगों को। Again, may they ask you write a notes on न्यू डार्विनिज्म और राइट्स ए नोट्स ऑन लामार्किज्म।
May they ask you the question in terms of what do you mean by genetic recombination and their role in organic evolution? So I am going to discuss one question, role of genetic evolution, role of genetic recombination in ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो न्यूट्रिशन का रोल समझ में आ चुका है आप लोगों को, जेनेटिक रिकम्बिनेशन को थोड़ा सा मैं एक बार और बता देता हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जेनेटिक रिकम्बिनेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, आई एम गोइंग टू राइट इनसाइड, रिकम्बिनेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट रोल ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन इन इवोल्यूशन। रिकम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, रिकम्बिनेशन, रिकम्बाइनिंग, रिकम्बाइनिंग कैसे होगा, और रीअरेंजमेंट ऑफ जीन टू क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जो जिस भी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उससे डिवीजन होगा, म्यूसिस डिवीजन होगा तो जीन क्या होगा, रिकम्बाइन होगा। भाई स्पर्म है ना, स्पर्म आ रहा है फादर से, मदर से आ रहा है एक, ये दोनों आकर के मिलेगा, इसके 23 यहाँ पे क्रोमोजोम है, 23 यहाँ पे क्रोमोजोम है, यहाँ पे 46 बनेगा, ये बना जाइगोट। अब जाइगोट में फादर का भी आ रहा है, मदर का भी आ रहा है, नतीजा क्या होगा, यही जाइगोट आगे क्या होगा, ये इंटर इन द प्यूरस डिवीजन एंड फाइनली दो सेल, चार सेल, आठ सेल, 16 सेल के सेल में जाएगा, वेयर इट गेट इम्प्लांटेड, एंड आफ्टर इम्प्लांटेशन वन डे यहीं से मुनमुन या टुनटुन जन्म लेगा, नाव की जो टुनटुन, टुनटुन जन्म लिया यहाँ पे। अब टुनटुन का जन, अब टुनटुन कैसा दिखेगा, इसके फादर जैसा और मदर जैसा, इट लुक लाइक देयर फादर और लाइक द मदर। तो ये जो दिखेगा, सो नाइदर लाइक फादर नॉर लाइक मदर, ना फादर जैसा दिखेगा ना मदर जैसा दिखेगा, क्यों, बिकॉज ऑफकोर्स ही इज द प्रोडक्ट ऑफ द मदर एंड फादर, बट बिकॉज ऑफ रिकम्बिनेशन और रीअरेंजमेंट ऑफ देयर मदर एंड फादर जीन, देयर फ्यू कैरेक्टर लुक लाइक देयर मदर, फ्यू कैरेक्टर लुक लाइक द फादर, बट देयर इन दैट वे दे रिप्रेजेंट देयर फादर एंड मदर, बट एक्चुअली दे आर नॉट कंप्लीट लुक अलाइक देयर फादर और मदर। ये इन टर्म्स ऑफ टोटल कैरेक्टर हो नहीं सकता है, चूंकि आधा फादर से तो आधा ही कैरेक्टर है और आधा इसका है, एंड देयर इज अ रोल ऑफ एनवायरमेंट ऑल्सो, दैट्स वाई द चाइल्ड मून टून टून इज सिंपली अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स, बट दे हैव देयर ओन कैरेक्टर एंड दैट आर द ब्लेंड कैरेक्टर, दैट आर द रिजल्ट ऑफ द ब्लेंडिंग और एस्टैब्लिश और रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू जीन कॉम्बिनेशन, सो दिस इज कॉल्ड द रिकम्बिनेशन। सो द फेनोमेना इन विच जेनेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग टेक्स प्लेस एंड दैट कॉज variation in genetic conformities from the parents are called genetic recombination and it brings what, evolution। इसका रोल evolution में क्या हुआ, मैंने क्या बताया था, अभी हम दिया ना भाई E. coli के केस में एग्जाम्पल आपको बताया, या अभी हमने बताया था कि विट्सन जो बेटुलेरिया जो मौत है इसमें एग्जाम्पल बताया था, इस मौत ने अपने जीन में इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज किया, नाउ डेवलप द एबिलिटी ऑफ द कैमोफ्लेज, ओके इन 50 and 100 जनरेशन ओनली दैट डार्क मॉथ विल सर्वाइव बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन द ट्रंक ऑफ द ट्री, सो दैट कंप्लीटली फ्री फ्रॉम द ग्रे कलर लाइकेन, एंड नाउ द ट्रंक ऑफ ट्री बिकम ब्लैक, that's why a gray color moth transform in their genetic pools and transform their color wings in that with the camouflage from the predator birds and that with the survive, so only those survive those who develop the dark color। aise hi E. coli case mein kya bola tha, because of the regular and frequent exposure of the antibiotic like the penicillin, only those E. coli survive, those develop the power of रेजिस्टेंस एंड सस्पेक्टेबल पॉपुलेशन, सो दैट विल सफर। तो यहाँ पे याद रखना, रिकम्बिनेशन क्या देता है आपको, रिकम्बिनेशन गिव्स द बेटर जीन एंड बेटर वेरिएशन अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, एंड इन दैट वे इंडिविजुअल मेंटेन देयर लाइफ एंड फुलफिल द एनवायरमेंटल नीड्स,
इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एवरी न्यू चाइल्ड इज मच मोर इंटेलिजेंट देन देयर ओके पेरेंट्स और प्रीवियस जनरेशन बिकॉज दे शोज हाइब्रिड वीगर दे शोज हाइब्रिड वीगर मीन्स इन टर्म्स ऑफ देयर टेम्परामेंट इंटेलिजेंस एंड फिजिकल कैरेक्टर्स दे आर मोर पावरफुल देन देयर प्रीवियस जनरेशन एंड म्योसिस जो सेल डिवीजन है जो काम ने पहले बताया है म्योसिस सेल डिवीजन का सबसे जो खास बात है मैं अलग से क्लास लूंगा इसका मैं बताऊंगा आप लोगों को कि म्योसिस सेल डिवीजन का सबसे जो खास बात होता है वो यही है म्योसिस ब्रिंग्स वेरिएशन म्योसिस ब्रिंग्स म्यूटेशन म्योसिस ओके अलाउ इंडिविजुअल्स टू ब्रिंग चेंजेस अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट अदरवाइज हेयर बियर म्योसिस सेल डिवीजन नॉट टेक्स प्लेस तो वो स्पीसीज का आगे वो नहीं बढ़ता है वो स्टैटिक हो जाएगा चेंज। आई होप सो कि आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा एंड आप लोग अपने स्तर पे तीन चार सवाल तो लिखना है। यू नीड टू कंपेयर ऑल द क्लासेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड वी विल कंटिन्यू दिस जर्नी सो बाय टुमारो एट द सेम टाइम आई एम वेटिंग फॉर यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शेयर लाइक टेन के एस वन योर फैकल्टीज टेक टू योर सब्सक्रिप्शन If you are beginners, not then 1 year at least 10% discount जरूर मिलेगा. Use my code. Thank you. Bye.